दोस्तों 5 किलोवाट सोलर सिस्टम एक दिन के अंदर में कितने यूनिट बिजली बनाते हैं? इस सिस्टम में आप कितने वाट तक उपकरण चला सकते हो और यह 5 किलोवाट सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करने का एग्जैक्ट खर्च कितने आता है? दोस्तों इन सोलर सिस्टम को तीन प्रकार से इंस्टॉलेशन किया जाता है, पहला ऑनग्रिड, दूसरा ऑफग्रिड और तीसरा हाइब्रिड सोलर सिस्टम। दोस्तों ऑनग्रिड सोलर सिस्टम जो होते हैं इसमें बैटरी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, सिर्फ सोलर पैनल से ही पावर को बनाकर उपकरण चलाया जाता है। नेक्स्ट ऑफग्रिड सोलर सिस्टम में इस सोलर का पावर को स्टोर करने के लिए बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है और तीसरा हाइब्रिड सोलर सिस्टम में इस पावर को स्टोर करने के लिए बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक का भी इस्तेमाल करके इस बैटरी को चार्ज किया जाता है, इसीलिए तो इसको हाइब्रिड सोलर सिस्टम कहते हैं। तो हम ऑनग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे जिसमें कि बैटरी का इस्तेमाल नहीं करके सिर्फ सोलर पैनल से ही पावर बनाकर सारे उपकरण को चलाया जाता है। दोस्तों ये ऑनग्रिड सोलर सिस्टम को ज्यादातर किसान भाई लोग खेतों में पानी का पंप चलाने के लिए खरीदते हैं। इसके अलावा घरों का सारे लोड को चलाने के लिए भी इस तरह का ऑनग्रिड सोलर सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों ये सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए कम से कम 70 से 80 स्क्वायर फुट जगह का जरूरत पड़ेगा, बट आप यदि छतों में इस सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करोगे तो आपके लिए तो और भी काफी अच्छा होगा। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज, आप इसको इंस्टॉल करने से पहले एक ऐसा जगह सिलेक्शन कर ले या फिर एक ऐसा छत सिलेक्शन कर ले जहाँ 100% प्रॉपर तरीके से इस सोलर पैनल को धूप मिलेगा, क्योंकि इसको जितने ज्यादा धूप मिलेगा ये पावर भी इतने ज्यादा बनाएगा। दोस्तों ये 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम एक दिन के अंदर में तकरीबन 5 से 7 यूनिट बिजली बना के प्रोवाइड करते हैं। ये डिपेंड करता है धूप और टेम्परेचर के ऊपर में। गर्मी के सीजन में थोड़ा सा ज्यादा पावर बनाते हैं और बारिश के टाइम में थोड़ा सा पावर कम बनाते हैं। पूरी साल भर का पावर को यदि हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये एक दिन में 7 यूनिट बिजली बनाएगा। दोस्तों मार्केट में डायरेक्ट 5 किलोवाट का सोलर पैनल नहीं आते हैं, आपको कई सारे छोटे छोटे सोलर मॉड्यूल को खरीद कर एक बड़ा सा सिस्टम बनवाना होगा। इसमें जो यूज होगा 450 वाट का 11 सोलर पैनल का इस्तेमाल किया जाएगा। ये 11 सोलर पैनल मिलकर लगभग 5000 वाट के करीब पावर बनाएंगे जिससे कि आपका सारे लोड चलेगा। दोस्तों 450 वाट का एक सोलर पैनल आपको 11 से 12000 के बीच में मिलेगा, तो हमको 11 सोलर पैनल का जरूरत है। 11 सोलर पैनल को 12000 के साथ गुना करने से आंसर आएगा 121000 रुपया। इसके बाद इस सिस्टम को लगाने के लिए स्टील बार, डीसी वायर, MC4 कनेक्टर, MCB और एक इन्वर्टर का जरूरत पड़ेगा। ये इन्वर्टर सोलर सिस्टम का डीसी सप्लाई को 220 वोल्ट एसी सप्लाई में कन्वर्ट करेगा जिससे कि आपका सारे उपकरण चलेगा। दोस्तों ये 5 किलोवाट सोलर इन्वर्टर का कीमत आएगा 10 से 12 हजार, डीसी वायर का कीमत आएगा 1500 से 2000, MC4 कनेक्टर 3000 से 4000, डीसी MCB 1000 से 1500, टिल बार का खर्च आएगा 5 से 7 हजार रुपया। तो इसमें हमारा टोटल खर्च आएगा 22 से 25 हजार। यदि हम इसका खर्च को सोलर सिस्टम का खर्च के साथ मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 140000 से 142000, यानी कि दोस्तों आपको 1 किलोवाट सोलर सिस्टम लगाने का टोटल खर्च आएगा 1.5 लाख के करीब। आप यदि एक बार 1.5 लाख रुपया खर्च करके 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाते हो तो आप 20-30 साल के लिए तो बिल्कुल फ्री में इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करोगे, आपका एक भी रुपया खर्च नहीं आएगा। बात करें इसका लोड कैपेसिटी की तो इसमें आप इलेक्ट्रिक का सारे इक्विपमेंट चला सकते हो, जैसा कि AC, फ्रिज, कूलर, हीटर, मोटर, TV, फैन और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट आप यदि खासकर सिर्फ वाटर पंप चलाना चाहते हो तो इस सिस्टम में आप 6.5 HP का वाटर पंप चला सकते हो। आपका इस 6.5 HP का वाटर पंप को ये सोलर सिस्टम एक दिन के अंदर में तकरीबन 9 से 10 घंटा इजीली चला लेगा। तो दोस्तों आप यदि हाइब्रिड सोलर सिस्टम के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को देखिएगा।